नेक्स्ट डायमंड नेम इज मिस्टर आर के सिंह बिलोंग्स टू यूपी बॉर्न इन यूपी और वही बात अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी को एक शेप देने के लिए छोटी उम्र के अंदर उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद

और उनकी हॉबी है उनका शौक है वो फुटबॉल इसलिए एज अ स्पोर्ट्स मैन फिटनेस लेवल भी बहुत अच्छा है स्पिरिट भी वाली है जल्दी किसी मुश्किल के आगे घुटने टेकते नहीं है और स्पोर्ट्स मैन के अंदर एक खासियत होती है अगर कहीं गिर भी जाए तो फटाफट खड़े हो जाते हैं एक मिनट से भी पहले वो क्वालिटीज उनके अंदर शुरू से थी और मैं आपको बताऊं इस एयरफोर्स की सर्विस के चलते चलते उनकी भी यूएन मिशन के अंदर एक बार पोस्टिंग आ गई इंडिया से बाहर रहे सेम थिंग्स सेम सपोर्ट टू द टीम फ्रॉम यू एन वहां से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया अपनी टीम को रेगुलर टच में रहे लोग बहुत सारे चले जाते हैं लेकिन सब लोग इस तरीके से कमिटेड नहीं होते अपनी टीम्स के लिए जो होते हैं वो वहां से यहाँ तक का सफर तय कर लेते हैं जो होते हैं वो अपनी डायमंडशिप अपने बलबूते पे हासिल कर लेते हैं और आर के सिंह जी भी हैं जिन्होंने अपनी दम पर अपनी टीम को डेवलप किया अपने दम पर अपनी टीम को सपोर्ट किया हर मुश्किल के अंदर अपनी टीम के साथ खड़े रहे और जिस टाइम पे वो पार्ट टाइम काम कर रहे थे मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जैसे उसमें से एक बार आगरा बूट कैंप वी ऑल वर इन आगरा उनकी पूरी की पूरी टीम आगरा में थी और उनको वहां से छुट्टी नहीं मिली लास्ट डे पे मैनेजर बहुत अच्छे हैं चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं लास्ट डे पे बैंगलोर से अपने बॉस से स्पेशल रिक्वेस्ट लिखवा के कोई अर्जेंट वर्क निकलवा के वहां से ग्वालियर तक का जहाज उड़वा दिया उन्होंने वहां से ग्वालियर जहाज आया जहाज ग्वालियर से बाय रोड फटाफट डिस्टेंस कवर किया और अपनी टीम के साथ वो लास्ट मोमेंट पे आगरा पहुंच गए ऐसे ही एक गोवा बूट कैंप था उनको छुट्टी नहीं मिली फिर लास्ट मोमेंट की मैनेजमेंट ही इन गोवा कुछ ऐसे इंसिडेंट है totally और मैं आपको बता दू के दस हजार की टीम बिना कुर्बानियों के बिना त्याग बिना तपस्या के तो खड़ी होती नहीं है ना तो जो सपना आज आप लोग खुली आंखों से वहां बैठकर देख रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं भी अपने परिवार के साथ इसी तरीके से झंडों के बीच में इस स्टेज तक लाया जाऊंगा इस सपने को उन्होंने बहुत समय तक देखा है हर सक्सेस डे के अंदर वो ये सपना देखते थे और ऊपर वाले की कृपा से आज वो सपना उनका पूरा हो गया he is working in the guidance of the top most trainer mr sunil maan all credit goes to him and mr shanta selan or उनकी support उनका hard work उनका struggle ये सब चीजें तो साथ हैं ही है ही हैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं let's invite a diamond of the day mr r k Singh. मैदान में जिस दिन हम चुम के दादी डोलेगी दोस्तों क्या है जो सब करते हैं यारों वो क्यों हम तुम करें यू ही कसरत करते करते काहे को हम मरे घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर हर हमसे बच के रहना जान याँ 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 अपनी आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू थैंक्स फर्स्ट हर्ष बिल्ला सर दीपक बिल्ला सर मान सर शांता सीलन सर बिकॉज दे हैव प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन माई दिस जर्नी फॉर डायमंडशिप थैंक यू सर घर से निकलते वक्त बिजनेस के लिए मैं उस शख्स को जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर सुनीता सिंह जो मेरी वाइफ पत्नी है जिनके बगैर आज जो हुआ है वो हो नहीं सकता था बिल्कुल भी इसलिए तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी वाइफ को आई लाइक टू शेयर अ कोड विच हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन माई जर्नी सिंस आई शॉप क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से था जहां पे मेरी पैदाइश मेरी परवरिश और मेरा कर्म क्षेत्र तीनों एयरफोर्स ही रहा है क्योंकि मेरे पिताजी खुद एयरफोर्स में थे इसलिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके साथ अलग अलग जगहों पे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का और उसके बाद मैं खुद एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया तो अलग अलग जगह पे हिंदुस्तान में घूम करके और इसका कारण यह था कि इस जगह पे काम करने के बाद एक अपने आप पे विश्वास बहुत हो जाता था मुझे अपने आप पे विश्वास पहले दिन से था और यह विश्वास ऐसा था कि मैं वो विवेकानंद जी का एक कोट शेयर करूंगा कि बिलीव इन योर सेल्फ यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन डू एनी ये हमेशा मुझे प्रेरणादायक रहा है दोस्तों और यह विश्वास मुझे बढ़ाता रहा है इस विश्वास की शक्ति के कारण हर दिखने और न दिखने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी उसको मैं बड़े आराम से ओवरकम कर लेता था मैं अभी तीन चार दिन पहले की बात बताता हूं आपसे मुझे किताब पढ़ने का थोड़ा शौक रहा है जब से बिजनेस में क्योंकि सेफ शॉप ने ही मेरी जिंदगी बदली है सेफ शॉप ने ही मुझे बदला है नहीं तो नौकरी तो मिल गई थी मुझे मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैंने एग्जाम दिया और मिल गया और सेफ शॉप ने मुझे बदला इसलिए मैं हमेशा जो भी बात करूंगा सेफ शॉप में आने के बाद ही मुझे किताब पढ़ने का शौक हुआ क्योंकि बताया गया कि आगे बढ़ना है तो आपको अपनी पुख्ता जानकारी रखनी पड़ेगी और वही एक कारण था मुझे किताब पढ़ने का और तीन चार दिन पहले मैं पढ़ रहा था एक कहानी मेरे सामने से गुजरती है और मैं उसको शेयर करता हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा सुनेंगे होता ये होता ये है एक बहुत बड़ा सा टैंक होता है पानी का शोध करता एक्सपेरिमेंट करने वाले उसमें एक शार्क मछली हैं, शार्क मछली समझ में आती है आपको मछली डाल देते हैं और थोड़ी देर बाद उसमें छोटी छोटी मछलियां और डाल देते हैं स्वभाव के अनुसार क्या होता है, है अटैक करती है और उनको खा लेती है और फिर से डाला जाता है फिर खा लेती है फिर से डाला जाता है फिर खा लेती है अब शोधकर्ता वो एक काम करते हैं कि एक, एक फाइबर ग्लास का, का पार्टीशन उस बीच में डाल देते हैं और फिर से वो छोटी मछलियां उसी टैंक में डालते हैं जिस टैंक में शार्क मछली होती है मेरे दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको और जैसी छोटी मछलियां जाती हैं अपने स्वभाव के अनुसार उसी तरीके से शार्क मछली पूरी जोर से छोटी मछलियों की तरफ जाती है लेकिन फिर उसी तरीके से वापस आ जाती है क्योंकि एक पार्टीशन जो दिखता नहीं है वो पड़ा है और ये फिर बार 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 करती है कुछ देर बाद ये अनुभव किया जाता है कि वो थक जाती है वो फ्राई नहीं करती है और एक समय आता है जब वो कोशिश ही नहीं करती है कि जाकर के उसको खाया जाए क्योंकि थक जाती है और उसी समय वो शोध करता उस फाइबर ग्लास को निकाल देते हैं और सबसे बड़ी बात वहां पे तब आती है कि फिर से वो अटैक नहीं करती है और हम भी इस बिजनेस में आने के बाद एक वैरियर अपने दिमाग में डाल लेते हैं जो कि असल में होता नहीं है असल में होता नहीं हम ये पास्ट हिस्ट्री को मान लेते हैं हम पहले अनसक्सेसफुल हुए हैं तो इसके आगे भी हम अनसक्सेसफुल रहेंगे हम मान लेते हैं कि उसने मना किया है तो वो भी मना करेगा जबकि ऐसा होता नहीं है मेरे साथ भी ये वाक्य हुआ मैं आपको यहां पे अपना वाक्य बताना चाहता हूं मैं इस बिजनेस में आया मेरा अपना एक बहुत अच्छा सर्कल था मेरी अच्छी इमेज थी और उतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे दोस्तों एक महीने में 29 लोगों ने मुझे ना किया था कितने लोगों ने और उन्तीस लोगों की ना सुन करके ये आर के सिंह टूट गया था उसने एक समय मान लिया था कि अब ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है मैं नहीं कर सकता हूं और उसी समय मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे इंट्रोड्यूसर का जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया वो उनका फोन आता है आर के सिंह जी क्या चल रहा है मेरे का कुछ नहीं चल रहा है और वो छुट्टी का दिन था मैं याद है मुझे और छुट्टी के दिन एक नौकरी करने वाला क्या करता है टीवी के आगे लेटा रहता है और बीवी कुछ बना बना के देती रहती है उसका मौज लेता है वही तरीका चल रहा था लेकिन वो अपलाइन का फोन मेरे पास आता है क्या कर रहे हो मैंने कहा लेटा हूं और क्या चल रहा है कुछ नहीं चल रहा है बोलते है, चलो ए थ्री बाई ट्वेंटी फोर चलते हैं मेरे अंदर एक आदत है इनबिल्ट आदत है मैं कभी किसी चीज को ना नहीं करता हूं और मेरे अंदर तो ये आदत है दोस्तों लेकिन मैं आपको एक चीज यहां से बताना चाहता हूं यह आदत आप भी डाल लो कभी किसी को ना मत करो अगर इस बिजनेस को सीरियसली करना है मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूं पता नहीं कब क्या होने वाला हो मेरे साथ क्या होता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं वो ना मैंने नहीं किया वो मेरे पास कार लेके आ गए एक मारुति एट हंड्रेड उनके पास हुआ करती थी उस समय मैं बैठ के गया जाते ही वो भगवान मेरे सामने आ गए हर्ष बिल्ला साहब मुझे नहीं पता एक दो बार की मेरी मुलाकात होगी क्योंकि एक महीने में इतने बड़े लीडर से तो एक ही दो बार मुलाकात हो सकती है क्या पता उन्होंने मुझे पहले दिन से अपने अंदर एक डायमंड देखा हो और मुझसे पूछते हैं आर के सिंह जी क्या चल रहा है मैंने कहा सर कुछ नहीं चल रहा है उनतीस लोगों की ना सुन करके बस कुछ हो नहीं रहा उनको कैसे बोल दू कि नहीं अब मैं टूट गया हूं उन्होंने बोला पंद्रह मिनट इंतजार करो मैं आता हूं पंद्रह मिनट बाद हर सर आते हैं अपने साथ लाते हैं दीपक बिल्ला साहब को और साथ में आते हैं मान साहब वो मेरी हाँ उस अपलाइन को वो मेरा ये 24 में आना और वहां पे वो मुलाकात ऐसे शख्स से होना कहते हैं आर के सिंह चलो मेरी गाड़ी में हम चलते हैं फॉलोअप पे वो मुझे पता है वो मेरा सौभाग्य है कि ये तीनों लोगों ने मेरे साथ मिलकर के मेरा फॉलोअप किया है ज्यादा बड़ी कहानी नहीं बताऊंगा शाम को जब लौटा तो सात से लेके लौटे थे हम सेवन और उस दिन के बाद यह विश्वास इतना प्रचड़ हो गया इतना प्रखंड हो गया कि जब ऐसे ऐसी शख्सियत मेरे साथ है तो मुझे दिक्कत क्या है कोई दिक्कत नहीं है उस दिन से मैंने पीछे मुड़के नहीं देखा परिस्थितियां मेरी बिगड़ी परिस्थितियां मुझे रोकती थी क्योंकि मैं फौज में था जिम्मेदार था वहां पे भी और एयरफोर्स ने मुझे वो सिखाया कि जो भी काम करो सिद्धत से करो और उसके बाद सेफ शॉप में ऐसे लोगों का जब साथ मिल गया तो सिद्धत में कोई कमी नहीं रहनी थी आपको यह एक अंदर एटीट्यूड रखना होगा कि दोस्तों नेवर गिव अप कभी छोड़िएगा नहीं सेफ शॉप बिजनेस को कभी छोड़िएगा नहीं मैं आपके लिए कहता हूं माजी तेरी कश्ती में तलबदार बहुत है माजी तेरी कश्ती में तलबदार बहुत है इस पार कुछ उस पार बहुत है जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है खरीदने दो पत्थर वालों को ऐसे पत्थर लोग लेके आएंगे उनको डायमंड बनाने का हमने कसम खाया है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हूं मैंने क्रिकेट खेला है कोच बिहार के लिए उस स्टेट के साथ सर्विस में आने के पहले एयरफोर्स में आने के पहले मैंने फुटबॉल खेला है संतोष संतोष ट्रॉफी सिलेक्शन में गया हूँ मैंने बास्केटबॉल कई साल पंद्रह साल तक एयरफोर्स के लिए खेला है और जब हम एक ट्रू एथलीट होते हैं जो यहाँ पे खिलाड़ी हैं उनको पता होगा एक ट्रू एथलीट के अंदर एक क्वालिटी होती है क्योंकि उसको पता है कि खेलते वक्त हमें गिरना है उसको पता है खेलते वक्त परेशानियां होनी है और ये गिरना यह ये झुकना तो हर खिलाड़ी के साथ चलता है लेकिन एक इंस्टेंट एक चीज जो उसको उठाती है कि सही समय पे उठना और तुरंत एक्शन में आ जाना वो उसको उस पार लेके जाती है और आपको भी शेव ऑफ बिजनेस में इसकी चिंता मत करना कि कब मैं यहां पे झुक रहा हूं कब मैं यहां पे गिर रहा हूं कौन मुझे मना कर रहा है कब मेरे साथ क्या हो रहा है कब मेरे साथ मुझे समझ में नहीं आ रहा लेकिन मेरे दोस्त जब उठना तो रुकना नहीं तुरंत एक्शन में आना टाइमली अगर आप उठ गए टाइमली अगर आपने शॉट मारा तो छक्का मारने से कोई रोक नहीं सकता आपका डायमंड बनना है। जब मेरा नेटवर्क सही चल रहा था सब कुछ अच्छा चल रहा था मेरे साथ एक और परिस्थिति आई मेरे साथ एक समस्या और आई कि मैं एयरफोर्स से मेरी पोस्टिंग साउथ अफ्रीका होती है साउथ अफ्रीका पोस्टिंग इतना आसान से नहीं मिलता है वहां पे भी मैंने झंडे गाड़े थे वहां पे भी मैंने अपने आप को दिखाया था मैं उन चुनिंदा लोगों में था जिसकी पोस्टिंग साउथ अफ्रीका में आई थी क्या करें क्योंकि इतने साल की नौकरी थी एक लालच थी कि सला डॉलर में पेमेंट मिलेगा अपने आप को रोक नहीं पा रहा था यहां सेफ शॉप का बिजनेस जिसको अच्छी तरह में सीख गया था जिसको अच्छी तरह में समझ गया था अब मैंने कहा कि जाना तो पड़ेगा गया साहब ये मेरे लिए एक सेफ शॉप बिजनेस के लिए एक सेटबैक था लेकिन मैं रोया नहीं वहां पे उन परिस्थितियों में सेफ शॉप इतना अंदर था कि वहां पे जाने के बाद भी प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट किया जो मेरे साथ इंडियन गए थे जो मेरे साथ लोग वहां पे गए थे उनकी मैंने प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट की और उसके बाद 52 सेल वहां से भेजा किस तरीके से भेजा वो नहीं बताऊंगा वो तरीका आपको खोजना पड़ेगा अगर आप चाहते हो तो कहीं पे भी कोई भी आदमी आपके साथ बिजनेस करेगा यू हैव टू जस्ट बिलीव इन यूर क्योंकि यू कैन डू एनी एंड एवरी यू डिजायर यह विश्वास और कैसे बढ़ता गया ये जिस विश्वास और पुख्ता कैसे हो गया एक इंसान जो सेफ शॉप बिजनेस को स्टार्ट करता है शुरू करता है और चार महीने में एक मारुति अल्टो आल्टो खरीद के लिए आता है तब विश्वास बढ़ता है नौकरी में था तो मेरी सोच नहीं थी ऐसा नहीं था कि नौकरी से मैं जाकर ई एम आई सेफ नहीं ला सकता था अल्टो लेकिन सोच ही नहीं बनती थी डर लगता था मुझे कि आगे का खर्चा आगे का खर्चा सेफ शॉप में आया और उसके बाद जब वो तीन लोगों के साथ मेरा काम स्टार्ट हुआ कौन कौन मेरे दोस्त हर्ष बिल्ला दीपक बिल्ला सर और मान सर जब मेरे साथ लगे तो कोई चिंता थी चार महीने में अल्टो कार लेके आया फिर काम करता गया काम करता गया विश्वास और बढ़ता गया जब एक इंसान एक सर्विस के क्वार्टर से निकल के अपने घर में जाता है तो विश्वास बढ़ता है एक आदमी जो टाइटन की घड़ी पहनता था आज रोलक्स की घड़ी पहनता है तब विश्वास बढ़ता है और सबसे बड़ी बात एक लाख की सर्विस करता था एक लाख रुपए मिलते थे ये कलेजे वालों का काम है ये जिगरे वालों का काम है छोटे जिगरे वाले निकल के यहां से भाग जाते हैं एक तरफ मेरा एक पूरा परिवार मेरी एक बच्ची जो उसकी हायर स्टडीज थी उसकी शादी थी मेरा लड़का जो अपने दसवीं क्लास में था उस समय मुझे डिसीजन लेना था कि मैं इस काम को फुल टाइम करूं कि पार्ट टाइम में करूं क्योंकि पार्ट टाइम करता तो मेरा तबादला तय था कि छबुआ में जाता और छबुआ में जाने का मतलब वही जो मैं साउथ अफ्रीका गया था नेटवर्क वहां चला जाता मैं मुझे एक डिसीजन लेना था और इस डिसीजन में आपको मैं बताता हूँ सबसे बड़ा रोल मेरी पत्नी का था उसको मेरे ऊपर इतना विश्वास हो गया था सेफ बिजनेस में आने के बाद उन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा कि आप क्या करने जा रहे हो आप क्या कर रहे हो कि अपनी सर्विस को छोड़ करके पता नहीं कैसा होगा क्या होगा कभी उनके मन में यह दुविधा आई नहीं उन्होंने कहा जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो आप चलो आगे आगे मैं आपके साथ साथ हूं यह कलेजा आपको बड़ा करना पड़ेगा यह छोटे कलेजा का, का काम नहीं है और आर के सिंह ने उस दिन अपनी नौकरी को रिजाइन किया अभी चौदह साल और नौकरी करता मेरे दोस्त चालीस साल नौकरी करता तो चालीस लाख नहीं कमा पाता यहां पे कम से कम चालीस लाख तो कमाया इस ब्रह्मांड में मेरे पास सबसे अच्छी टीम है पूरे ब्रह्मांड में सबसे अच्छी टीम है अगर मैं नौकरी करता तो यह टीम नहीं मिलती मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं जिसने टीम बना ली वो इनकम नहीं करेगा जिसने टीम बना ली वो धन नहीं कमाएगा वो यहां से दौलत कमाएगा वो यहाँ से वेल्थ कमाएगा जिसके पास टीम है इसलिए इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी अच्छी टीम मेरे पास है और सबसे बड़ा अगर मेरा कोई मोटिवेटर है सबसे बड़ा मुझे सीख देने वाला है सबसे बड़ा कोई गुरु है तो वो है सुनील मान साहब आर के सिंह आज यहां से आगाज करता है और यलगार करता है हम अपनी मेहनत का एक एक चीज यहां पे वसूलेंगे अनुरोध करूंगा हम एक साथ मिलकर के यहां से आगे जाएंगे और यमराज को बता देता हूं कि मेरे पास तब तक नहीं आना जब तक मैं अपनी टीम में से एक एक आदमी को डायमंड नहीं बना दूंगा ये यलगार करता हूं ये ऐलान करता हूं कि बवाल मचाने आ गया हूं सबको यहां पे बताता हूं अब तो बवाल मचेगा अब तो यहां पे कोई शांति से नहीं बैठने वाला है सर अगले साल डबल डायमंड बन के आ रहा हूं आई एम डोइंग टू बिकम नेक्स्ट ईयर डबल डायमंड अब यहां पे रुकेगी नहीं ये कहानी इफ आई कैन डू यू कैन डू इफ यू ऑल कैन डू वी ऑल कैन डू बिलीव इन योर सेल्फ यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ थैंक यू सो मच